मैं गमिन सर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रही हैं? सर अभी मैं जॉब कर रही हूँ, लेक्चरर दिल्ली में। कहाँ पे? अच्छा, सर दिल्ली को मैं। आप स्कूल में हैं। जी सर। क्या पढ़ाती हैं आप? सर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में स्पेशल क्या पढ़ाती हैं? सर जो भी उनके सिलेबस में है वो पढ़ाती हूँ। दिल्ली का शासन जी सर। और राजस्थान के शासन में एक दो पद होते हैं राज्यपाल के, जी सर। क्या अंतर है दोनों में? सर यहाँ पर राज्यपाल है, वहाँ पर उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल जी सर। है, उनको सर क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ राजस्थान के राज्यपाल के पास ज्यादा अधिकार हैं या दिल्ली के उपराज्यपाल के पास ज्यादा अधिकार हैं? सर दिल्ली के उपराज्यपाल के पास ज़्यादा अधिकार ऐसा है क्यों? सर। जहाँ वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मैटर है वो उपराज्यपाल को दिया है। अच्छा। तो दिल्ली की जो सरकार है, जी सर। क्या वो अपने आप को कमजोर मानती है? जी सर ये जो पावर है वो उपराज्यपाल को दी गई है, इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को कमजोर मानती है। लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस जी का। सर। अच्छा, राजनीति शास्त्र जो है, जी सर। यदि ये कहें कि संविधान ही नहीं होता तो फिर शासन कैसे चलता? सर संविधान की ज़रूरत होती है, जैसे नियम जरूरत होती कानून। है। जी सर। हर शासन में कोई ना कोई नियम कानून होते हैं, वही संविधान होता है। आप अच्छा, संविधान एक कंपाइल फॉर्मेट में नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी आपको शासन चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस चाहिए होंगे। तो किरण आप ये बताओ कि भारत के संविधान में से जी कोई सर। भी आपको दो टॉपिक निकालने पड़ेंगे, जी सर। क्या निकालोगे? हटाना चाहती हैं आप उसे, हटाना चाहूँगी जिसकी उपयोगिता आपको ज्यादा ठीक नहीं लग रही है? सर, ऐसा तो मुझे कोई टॉपिक नहीं लगता है कि वो अनुपयोगी है। सारे जो टॉपिक हैं वो कहते हैं निकोबार की राज्यपाल जो है, कोई जरूरी नहीं, राज्यपाल का पद हटाया जा सकता है, चर्चाएं होती है। जी सर। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष, जी सर। ये बहुत बार, अनेकों बार विवादास्पद स्थिति में आ जाते हैं। जी सर। कब कब? सब राज्यपाल तब विवादास्पद स्थिति में आ जाते हैं जब जैसे कोई गवर्नमेंट है, इलेक्शन हुए और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, तो कौन सी दल को वो बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए पहले, तो इस वजह से वो। तो क्या ये निष्पक्ष रह सकते हैं क्या, या कुछ न कुछ? जैसे थोड़ा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है या फिर उन्होंने उन्हें नियुक्त किन्होंने किया है, वैसे तो चलिए, मुझे एक निष्पक्ष। सवाल ये बताइए, दिल्ली कहा जाता है कि सौभाग्यशाली लोगों को ही वहाँ नौकरी मिलती है, और विशेषकर एक महिला को एजुकेशन विषय और व्याख्याता है आप वहाँ पर, ओके सर। आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी है वहाँ पर। जी सर। ऐसे शांति प्रिय जॉब को छोड़कर आप शासन और प्रशासन का हिस्सा बनना चाहती हैं, जी सर। क्यों? ऐसा क्या है आरएस में? सर मैं शुरुआत से प्रशासनिक सेवाओं की ओर मेरा रुझान था। पहला तो सर ये कि मैं यहाँ पे लोगों से जुड़कर कार्य कर पाऊँगी, इससे शायद मुझे वहाँ जितना जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे ज़्यादा यहाँ मिलेगा। इसके अलावा सर यहाँ कार्य विविधता, आप एक एजुकेशन के क्षेत्र में ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर चलिए, तो सकते हैं। कार्य की विविधता है, तो आप कौन कौन से विभाग सोच रखे हैं कि मुझे ये विभागों में काम करने का अवसर मिलना चाहिए? सर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग में, एजुकेशन विभाग में, एंड सर डेवलपमेंट के जितने भी हैं उनमें सारे में मैं अच्छा, करना ओके। चाहूँगी। किरण जी जी, सर। आंतरिक अपवतंत्र क्या होता है, और राजस्थान में जो आंतरिक अपवतंत्र है पूरे भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, क्यों? सर आंतरिक अपवातंत्र उस अपवातंत्र को कहते हैं जहाँ नदी अपने उद्गम क्षेत्र से जैसे समुद्र तक नहीं जा पाती है या फिर कुछ दूर जाकर विलीन हो जाती है, उसे आंतरिक अपवातंत्र कहते हैं। क्योंकि सर राजस्थान में जो मिट्टी है वो इस तरह की है कि वो पानी को सोख लेती है, फिर वर्षा कम होती है, इस वजह से अपवातंत्र जो आंतरिक जी, बाणगंगा जो नदी है उससे आप आंतरिक अपवतंत्र में रखेंगे या नहीं? सर जब बाणगंगा नदी में पहले पानी आता था तो वो यमुना नदी से मिलकर जो गंगा नदी में मिलकर
बंगाल की खाड़ी में चली जाती थी, लेकिन सर अभी वो सूख गई है, तो आंतरिक अपवाह तंत्र का। बाणगंगा नदी को रुंडित नदी भी कहते हैं। रुंडित, रुंडित का तात्पर्य है। सॉरी सर। हाल ही में यूनेस्को ने ये कहा है कि जो घना पक्षी अभ्यारण्य है उसको हम सूची से बाहर देंगे या निकालने की संभावना है। ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं जो यूनेस्को ने ये कहना पड़ा, वार्निंग देनी पड़ी राजस्थान सरकार को? सॉरी सर, मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस? जी सर। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आपका? जी सर, पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा बेटर लगती है, बट हिस्ट्री। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ने का तात्पर्य होता है कि वर्तमान आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी रहती है, ऐसे ही राजनीति के बारे में भी है। इतिहास पढ़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं? जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनसे हम सीख सकें, ताकि दोबारा उस तरह की गलतियां ना करें, और किस तरह से हमें आगे करना होगा वो हम सीख सकते हैं पिछले अनुभव से। हिस्ट्री में दो विचारधारा होती है ज़्यादातर मानी गई है, एक होती है दक्षिणपंथी विचारधारा, एक होती है वामपंथी विचारधारा। क्या होती है दक्षिणपंथी और वामपंथी? सर, दक्षिणपंथी विचार जो लोग मानते हैं वो जो परंपरा चली आ रही है जैसा चला आ रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए, जबकि वामपंथी है वो आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, व्यवस्था है वो बिल्कुल चेंजेस होती रहे, और जो वर्तमान में है उससे अपोजिट वो चाहते हैं व्यवस्था। अच्छा, इतिहास जो हम पढ़ते हैं फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट तक, उसमें महिलाओं का बहुत कम चित्रण मिलता है, तो क्या महिलाएं जागरूक नहीं थी ज़्यादा इन सब चीज़ों में, उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था, या उनके इतिहास को इग्नोर कर दिया गया, लिखा ही नहीं, और उनकी भूमिका को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना गया? सर, दोनों ही चीज़ें हैं, जैसे कि काफ़ी महिलाएं हैं जिनका योगदान हम पढ़ते हैं देखते भी हैं। पहला तो उस समय सर शिक्षा इतनी नहीं थी, अवेयरनेस इतनी नहीं थी, जो महिलाएं वो घर से बाहर इतना नहीं निकलती थी, तो एक रीज़न हम ये भी मान सकते हैं कि उनका योगदान कहीं ना कहीं कम रहा है पुरुषों की तुलना में। और दूसरा सर उल्लेख का बात, तो कुछ महिलाएं हम पढ़ते हैं जिनका राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली गवर्नमेंट में कार्यरत? जी सर। कौन से स्कूल में कार्यरत? सर, मंगोलपुर कला स्कूल है, मंगोलपुर कला विलेज। TGT, PGT और PRT, इसमें क्या अंतर है? सर, जो PGT होते हैं वो 11th 12th के लेक्चरर लेवल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, और TGT सर 6th से 10th तक पढ़ाते हैं, और PRT जो होते हैं वो जो प्राइमरी एजुकेशन होते हैं उसमें। दिल्ली गवर्नमेंट में जो एजुकेशन में सुधार हुआ है वो राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, मुझे लगता और यदि आपको एक SDM के तौर पर आपको देखा जाए तो आप क्या क्या सुधार दिल्ली वाले राजस्थान में लागू करोगे? पहला तो वहाँ पे जो बजट का पार्ट है, जैसे शिक्षा पर वहाँ पे 26% से प्लस खर्च किया जाता है, तो वो एक मेज़र है। इसके अलावा सर, अगर वहाँ से मुझे कुछ लागू करने के लिए राजस्थान में कहा जाए, तो पहला मैंने वहाँ देखा एक EMC करके एक क्लासेस लगती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि वो कैसे खुद का जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें पैसे भी प्रोवाइड करवाती है ताकि वो आगे चल के खुद का उद्योग इस्टेब्लिश कर सके। पैसे एक साथ देते हैं या पर मंथ देते हैं? नहीं सर, वो आपके देखेंगे, आपको 2000 रुपये मिलेंगे फर्स्ट टाइम पे, फिर आप उनको जैसे जो इंटरेस्टेड है उन्हें, और अगर वो खुद का कुछ ऐसा क्रिएटिव करके लाते हैं तो फिर उन्हें आगे और गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो वो मैं यहाँ लागू करना चाहूँगी। स्थानीय स्वशासन आपका पसंदीदा विषय है? जी सर। सीधा ही सवाल करते हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय स्वशासन ऐसा शासन होता है जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो खुद शासन में भागीदारी करें, और जो भी डिसीजन हो उनका भी उसमें रोल। क्या इसमें और सुधार की कोई गुंजाइश दिखती है आपको? जी सर। क्या करोगे आप? सर, स्थानीय स्वशासन में जो ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से लागू करना चाहूँगी, अगर इसके बारे में अवेयरनेस हो, जो शिक्षित युवा हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें और खुद के मत दें। SDM और तहसीलदार दोनों के सामने लिखते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जी सर। लॉ ऑर्डर कानून का पालन करते हैं। जी सर। दोनों में कोई अंतर बताओ। सर, उनका क्षेत्र बड़ा होता है जो SDM होते हैं, और तहसीलदार का कम होता है। अच्छा। इसके अलावा सर, एक सर्टिफिकेशन का मैंने पढ़ा था कि सर्टिफिकेट जारी करने में जो SDM है तो जैसे जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवाते हैं तो उसमें, इसके अलावा सब थोड़ी सर अभी मैं इतना है। आपकी हॉबी कुकिंग है? जी सर। कुकिंग ही क्या है? सर, कुकिंग मैंने अपने पापा से सीखी है, और
वैसे घर पे कुकिंग करते थे, तो करते करते ऐसे हो गया कि वो हॉबी के रूप में डेवलप हो गया। मम्मी से सीखने का अवसर मिलता है, लेकिन पापा से कैसे मिला ये? सर मेरे पापा खाना बनाते हैं मोस्टली घर पर। अच्छा, तो इसलिए मैंने उनसे सीखा और वो काफी अच्छा। नहीं तो हलवाई घर है पापा या फिर आपको प्रेम से बना के खिलाते हैं आपको? हाँ सर वैसे ही खिलाते हैं। आप क्या जिद करती होगी फिर पापा मम्मी आपको फटकार देती होगी, पापा आपको बना के देते होंगे नूडल वगैरह जो मैगी है? नहीं सर ऐसी चीजें नहीं बनाते हैं, वो बिल्कुल पौष्टिक खाना बनाते हैं और वो भी काफी टेस्टी होता है। तो आप राजस्थानी फूड में कौन सा खाना बढ़िया बनाओगी, मान लीजिए आपको कहा जाए कि चलिए? ठीक है सर, जैसे मिठाइयों में सर मैं सॉरी जलेबी बना सकती हूँ, घेवर बना सकती हूँ, सब्जियों में जैसे गट्टे की सब्जी है, खीर सांगरी की सब्जी है, ये बना सकती हूँ। मान लीजिए अपन को जलेबी 1 किलो बनानी है लास्ट में चाशनी के बाद, तो उसमें कितनी आप मैदा तैयार करोगी पहले? सर आधा किलो से कम मैदा में तैयार हो जाएगी। अच्छा अच्छा, लास्ट सवाल ये बताइए, एक अधिकारी के रूप में आपकी मनसा है कि मैं आरएस बन के बढ़िया दिल्ली की बजाय यहाँ पे काम करूंगी, आप में ऐसा कौन सा गुण है जो एक अधिकारी में होना चाहिए? ओके सर, सर मुझे लगता है कि जो लोगों की भावनाएं मैं अच्छे से समझ पाती हूँ, और उसके अलावा मैं उनके लिए जब काम करती हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। पहला मुझे ये लगता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो किसी काम से, अधिक सेटिस्फाइड हो, वही काम आपको करना चाहिए। दूसरा सर मैं कोई भी टास्क होता है तो उसे पूरी तरह से पूरा टाइम दे के कम्प्लीट करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा सर निष्पक्षता का मैं ध्यान रखती हूँ कि किसी भी पक्ष की तरफ मैं प्रभावित ना हूँ, जो जब भी कोई डिसीजन करूँ तो मैं दोनों पक्ष की बात सुनकर अपना डिसीजन। अच्छा ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।